हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर टू, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर टू, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेस मतलब क्या होता है बच्चों? सोर्सेस मतलब होता है स्रोत, ओरिजिन, कहाँ से हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जो हमको जानकारी मिल रही है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है, उसको सोर्सेस बोलते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। मतलब यहाँ पर हमको क्या बोला है ट्राई करने के लिए, जो भी आपके घर पे जो चीजें हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की है उसकी लिस्ट बनाइए। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके दादा दादी नाना नानी के टाइम की है उसकी लिस्ट बनाओ। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी। और आपके लोकेलिटी में आपकी एरिया में जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या करना है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय एंसेस्टर्स स्टिल एग्जिस्ट। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, सामान हैं, जो कब के टाइम के हैं, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम के, एंसेस्टर्स के टाइम के हैं मतलब हमारे पूर्वज के टाइम के, यानी कि आपकी मम्मी डैडी की मम्मी डैडी की मम्मी डैडी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं। तो उनकी जमाने की जो चीजें आज भी एग्जिस्ट करती है मतलब आज भी है। सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। और ऐसे ही कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पास्ट के हैं, पुराने जमाने के हैं, जो रिकवर हुए हैं यानी कि जो मिले हैं। सोर्सेस लाइक दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ हिस्ट्री। और ऐसी जो सोर्सेस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है जो हमको पुराने जमाने से मिले हैं आज, उसे हमको हिस्ट्री को समझने में क्या होती है, आसानी होती है, वो हमको हिस्ट्री समझने में मदद करती है। हिस्ट्री कैन बी लर्न्ड थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसको लर्न करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, हमारे जो कस्टम्स है यानी जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी ट्रेडिशंस है, जो हमारी परंपराएं हैं, फोक आर्ट्स यानी पुराने जमाने के जो आर्ट्स है, जो पुरानी लिटरेचर्स है यानी पुराने टाइम के, एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और साथ में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उनकी जरूरत पड़ती है हिस्ट्री को समझने के लिए। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये? थ्री टाइप्स के होते हैं, मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस, नाउ व्हाट इज मटेरियल सोर्स? मटेरियल सोर्स यानी कि जो चीजें हैं, जो सामान हैं, जो पुराने जमाने के जो कपड़े हैं, जो बर्तन हैं, जो स्टैचूज है, जो कॉइन्स है, जो ऑर्नामेंट्स है, वो जो सब चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स है यानी कि कोई भी आप पुराना कोई स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कुछ चीज है, कुछ सामान है, कुछ मटेरियल है, तो उसको लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल सोर्स। देन रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्सेस मतलब जो लिखी हुई चीजें होती है, जैसे उन्होंने कुछ कहीं पे कुछ लिखा होगा, कुछ कॉपर प्लेट्स पे लिखा होगा, कुछ वॉल्स पे लिखा होगा, कुछ केव्स की वॉल्स पे लिखा होगा, कुछ इंस्क्राइब किया होगा, वो सब क्या है, कुछ पत्तों पे लिखा होगा, वो सब क्या है, रिटर्न सोर्स, या कुछ पेज में लिखे होंगे, वो जो लिखा है वो रिटर्न सोर्स होता है। एंड ओरल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस यानी कि जो सोर्सेस जैसे आपने अपनी दादी से सुना, फिर आपकी मम्मी ने आपकी दादी से सुना, तो फिर आपकी मम्मी ने आपको बताया,
आप किसी और को बताओगे, फिर आप अपनी फ्रेंड को बताओगे, आपकी फ्रेंड किसी और फ्रेंड को बताएगी। यानी कि क्या है, ये ओरल सोर्स है जो बोल बोल के हमको पता चलती है। जैसे फोक सॉन्ग्स है, कुछ गाने होते हैं पुराने, मतलब बहुत इतिहास के टाइम के जो सॉन्ग्स है, या फिर जो ओवीज है, या फिर जो बातें हैं, या जो कहानियां हैं, वो सब क्या होती है, एक दूसरे से माउथ टू माउथ क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो वो क्या होता है, ओरल सोर्सेस कहलाते हैं। नाउ कैन यू टेल स्ट्रक्चर सच एज फोर्ट्स, रॉक कट, केव्स, स्तूपा एटसेट्रा आर नोन एज मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे जो फोर्ट्स है, जो किले हैं, रॉक के पत्थर है, जो केव्स है, गुफाएं हैं, स्तूपाज हैं, वो सब क्या है, मटेरियल सोर्सेज हिस्ट्री के हैं। ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेज। नाउ मटेरियल सोर्सेज, मैन यूजेस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। मैन है बहुत सारी चीजें अपनी दिनचर्या में यूज करता है, दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स। जैसे आप जो बर्तन यूज करते हो, कपड़े यूज करते हो, घड़ी यूज करते हो, वॉच यूज करते हो, मतलब आप कितनी सारी चीजें एक दिन में यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यूज बाय ह्यूमंस इन पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ इन द एंशिएंट टाइम्स। और वही आर्टिफैक्ट्स, वही जो सामान जो पुराने जमाने में जो लोग यूज करते थे, वो हमको क्या बताते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पुराने जमाने की जो टाइम है उसके बारे में हमको बताते हैं कि वहाँ के टाइम पे घर कैसे होते थे, गहने कैसे होते थे, बर्तन कैसे होते थे, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स लाइक अर्दन पॉट्स बाय स्टडिंग द शेप, कलर एंड डिजाइन्स ऑन एंशियंट पॉट्स शर्ट। यानी कि जो पहले के जमाने में जो अर्दन पॉट्स है वो कैसे होते थे, तो वहाँ की जो शेप है अर्दन पॉट के, जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उनके जो कलर है, उनके जो डिजाइन्स है, वो उससे हमको पता चलता है। पॉट शर्ट मतलब क्या होते हैं, जो टुकड़े टूटे हुए बर्तन के जो टुकड़े, अभी अखे अखे तो मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो जो टुकड़े होते हैं, जो पीसेज होते हैं, उससे हमको पता चलता है। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शंस। और जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं, बाकी की जो सामान है, वो हमको पता चलते कि लोगों के टाइम पे, उस टाइम पर सोशल इंटरेक्शन कैसे था, मतलब एक लोग दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते थे, मतलब उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, सीड्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एक्सकवेशन। अब जो टाइम पे वो जो पीपल लोग डाइट क्या थी, मतलब जो खाते क्या थे, उसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, जो फूड ग्रेन्स है उनसे, जो सीड्स है, या जो एनिमल्स के जो बोन्स है, जो सॉरी जो कि हमको मिले हैं कहाँ से, एक्सकवेशन से। एक्सकवेशन क्या होते हैं बच्चे, जो खुदाई करते हैं, जो हिस्टोरिकल जो स्टडीज करते हैं, तो क्या कि उनको जमीन के अंदर की जो खुदाई कर करके जो सामान उनको मिलता है, उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तभी आप तो बोलोगे ये फूड ग्रेन्स है, तो फूड ग्रेन्स तो जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो वो कैसे टिकेगा इतने टाइम, इतना पुराना जो जमीन में गड़ा हुआ है। तो क्या होता था ना पहले के जमाने में बच्चों, जो उन लोग क्या करते थे, जैसे अभी हम ग्राइंड करते हैं, आटा पीसते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, उसको सेकते थे, रोस्ट करते थे फूड ग्रेन्स को। फूड ग्रेन्स को जब सेकते थे तो क्या होता था, कुछ कुछ जो होते हैं दाने, वो ज्यादा जल जाते थे, तो उन लोग उसको फेंक देते थे, और जो वो फेंके हुए जो दाने रहते थे ना, वो बहुत टाइम तक जमीन में, मतलब हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते, वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं। तो ऐसे जो दाने होते थे उससे उनको पता चलता था। अभी एनिमल्स की बोन्स तो आपको पता है बहुत टिकती है, सीड्स है, तो इससे वहां के लोगों को उनकी डाइट का पता चलता था। ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। और
इसी तरह हमको क्या पता चला, वहां के एंशियंट टाइम के हिस्टोरिकल पीरियड के जो हाउसेस थे, जो घर थे, उनकी जो बिल्डिंग्स थी, वो कैसी बनाते थे, कैसे होते थे, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली। वी ऑल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन्स एंड सील्स। अब हमको तब भी क्या भी मिला, जो पुराने जमाने के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे। सील्स क्या होता है बच्चों? सील्स वो होता है जो एक सील होता है, जैसे हम गवर्नमेंट का सील लगा दिए, गवर्नमेंट का जो छापा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। तो वहां पे वो प्रिंट हो जाती। तो उस टाइम पे कैसे, क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना था, तो राजा महाराजाओं का हर अलग अलग उनकी जो सील्स होती थी, तो क्या सील्स होती थी वो भी हमको पता चलती है। ऑल दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज इन द पास्ट। तो ये सब चीज से हमको क्या पता चलता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। पास्ट में जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, क्या क्या करते थे, उसके बारे में हमको पता चलता है। ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर रून्स आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में जो सामान यूज करते हैं, जो आर्टिकल्स है या जो मॉन्यूमेंट्स है वो, या फिर उनके जो रून्स है, यानी कि जो टूटे हुए खराब है, जो खंडहर में चेंज हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन अस, डू यू नो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट इजिली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो फूड ग्रेन्स है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है। जो अनाज टिकता है क्या? नहीं, वो जल्दी से पाउडर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसमें हमको बताया है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम। अभी मैंने बताई थी आपको, पुराने जमाने में पीपल लोग ग्राइंड करने के पहले, आटा बनाने के लिए पहले उसको रोस्ट करते थे। इफ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चार्ड वाइल रोस्टिंग दे वर थ्रोन अवे। अगर जो कुछ दाने हैं वो क्या होते थे? चार्ड हो जाते थे, जल जाते थे जब उन्हें सेकते थे, तो वो उस दानों को क्या करते थे? उसमें से निकाल के फेंक देते थे। सच चार्ड ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे जो ग्रेन्स थे, जले हुए दाने थे, वो बहुत लंबे पीरियड के लिए इंटैक्ट रहते थे। ग्रेन्स ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यानी खुदाई के समय में ऐसे जो जले हुए दाने हैं वो निकलते हैं। वेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन अ लेबोरेटरी वी केम टू नो व्हाट ग्रेन इट इज। देख के तो हम नहीं पता चल सकता ना कि कौन सा दाना है वो, तो उसको क्या करते थे? लेबोरेटरी में इंस्पेक्ट करेंगे, लेबोरेटरी में उसकी जांच करेंगे, तो पता चलता है कि वो कौन सा ग्रेन है। देखो ये जो कॉइन्स, दीज आर द कॉइन्स यूज्ड इन एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। देखो पॉटशर यानी कि जो टुकड़े, अर्दन पॉट्स के जो टुकड़े होते थे वो, ये गहने, तो आपको पता है ऑर्नामेंट्स, दीज आर दी अर्दन पॉट्स। Now, do you know written source of history include inscriptions carved on temple walls, walls of rock cut caves and rocks, inscriptions on copper plates, pots, bricks and on writing sheet made from palm leaves and birch bark etc. जो written sources है वो क्या include करते हैं? Inscriptions। जो कि मतलब जो इंस्क्रिप्शंस, मतलब क्या कहते हैं उसको, खोद खोद के उस पे निशान बना बना के इंस्क्राइब करते हैं टेंपल के वॉल्स पे, मंदिरों की दीवारों पे, जो केव्स है, जो उसको जो गुफाएं हैं, जो कि रॉक कट केव्स यानी कि जो चट्टानों को काट कर जो गुफाएं बनाई है वो, और जो रॉक्स है, जो चट्टान है, और इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस होते, देखो यहाँ पे कैसे के लिखा, खुदाई खोद खोद के लिखा गया है ना वो, पॉट्स ब्रिक्स एंड ऑन राइटिंग शीट्स, और जो राइटिंग शीट्स होती थी वो किससे बनाते थे? उन्होंने पाम लीव्स और बर्च बार्क ट्री से, यानी कि पत्तों से बनाते थे। ये देखो कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस ऑन अ रॉक। ये जो रॉक है आप इसको अच्छी तरह से एकदम जूम करके देखोगे तो देखो आपको दिख रहा है ये ऐसे खुदाई खुदाई लिखा हुआ है, तो ये क्या था? इंस्क्रिप्शन है ना, तो इसके लिए उनको लिखा हुआ हमको ऐसे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज रिटर्न सोर्सेस, यानी जो लिखी हुई चीजें हैं। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मैनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स,
on rocks. It was only after thousands of years that man learnt the art of writing. जो स्टोन एज पीपल होते थे, हमने पढ़े है ना, तो जो स्टोन एज पीपल होते थे वो अपने जो इवेंट्स होते थे यानी जो घटनाएं होती थी, जो कुछ अच्छी चीजें होती थी, मतलब कुछ भी इवेंट्स होंगे और ये जो अपनी इमोशंस है या अपनी फीलिंग्स है उसको कहाँ एक्सप्रेस करते थे, रॉक्स की, रॉक्स जो रहते हैं ना, चट्टाने जो रहती है उसके ऊपर पेंटिंग करके उन लोग एक्सप्रेस करते थे. इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट मैन लर्नड द आर्ट ऑफ राइटिंग. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में मैंने क्या सीखा, आर्ट ऑफ राइटिंग. पहले उनको आर्ट ऑफ राइटिंग थी नहीं कुछ भी, तो उन लोग क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, कुछ पेंट करते थे और पेंट करके उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे. इन द बिगनिंग ह्यूमंस एंड यूज्ड सिंबल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज. तो शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, वो कुछ सिंबल्स यूज करते थे, जैसे कोई भी सिंबल, कोई साइन ऐसा यूज करते थे अपने आइडियाज को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए. हाउएवर इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस. इसके भी बाद हजारों सालों बाद में जो स्क्रिप्ट है, जो आज हम लिखते हैं ABCD, चाहे रोमन स्क्रिप्ट हो चाहे देवनागरी स्क्रिप्ट हो, वो डेवलप हुई. इन द बिगनिंग मैन रोट ऑन पॉटशर्ड अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. तो शुरू शुरू में उन्होंने कहां पे लिखना शुरू किया, पॉटशर्ड पे, यानी कि अभी बताया पॉटशर्ड क्या होता है, जो अनबेक्ड ब्रिक्स होती है, जो ईंटे होती है जो बेक नहीं की हुई रहती, उस पे और किस क्या यूज करते थे, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से खुद खुद के उस पे लिखते थे. He also used birch or bhurja tree bark to write on. और जो bhurja tree होती थी उनकी जो bark होती है, उनकी जो छाल होती है, वो भी लोग use करते थे किस चीज के लिए, लिखने के लिए. As this experience and knowledge increased, he began to write in different ways. जैसे जैसे human beings की जो experience है, उनकी जो knowledge है, वो increase होती गई, तो उसने वो different way में, अलग अलग तरीकों में वो लिखने लगा. He began to record the events that took place around him. जो भी उनके आजू बाजू में जो भी events होते थे, उसने क्या किया, सबको record करना शुरू किया, लिखना शुरू किया. Accounts of the proceedings of royal courts were also written systematically. जो रॉयल कोर्ट्स होते थे, राजा महाराजाओं की जो कोर्ट्स होते थे, उनपे जो प्रोसीडिंग्स होती थी, उनपे जो सुनवाइयां होती थी, वो भी उन्होंने लिखना शुरू किया सिस्टमेटिकली. मैनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशंस एटसेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट्स. बहुत सारे जो रूलर्स है, जो किंग्स है, जो राजा महाराजा है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती थी, यानी कि जो जो सुनवाई करते थे, जो उनके फैसले सुनाते थे, वो कहाँ पे लिखे या फिर वो डोनेशन देते थे, यानी जो दान देते थे, वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड हुए, स्टोन और कॉपर प्लेट्स पे, स्टोन पे या कॉपर प्लेट्स पे वो लिखा हुआ, खुदाई करके लिखा हुआ रहता था. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप. फिर बहुत टाइम के बाद में काफी जो लिटरेचर्स है, डिफरेंट फॉर्म्स उसके डेवलप हुए. दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट. अब बुक्स आने लगी तो किस किस पे बनाई उन्होंने, धार्मिक बुक पे, सामाजिक सब्जेक्ट्स पे बुक बनाई, प्लेज बनाए, नाटक पे, पोयम्स पे, ट्रेवलॉग्स यानी जो घूमने फिरने का जो लिखते हैं ट्रेवलॉग्स वो, साइंटिफिक वर्क यानी कि जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं उस पे उन्होंने क्या किया, बुक्स बनाई. All this literature help us to understand the history of the various historical period. तो ये जो literatures थे, क्योंकि ये तो लिखा हुआ था तो हमको easily समझ में आने लगा, तो हमको जो उस time के historical period में जो भी scientific works थे, जो literature के through हमको समझ में आने लगे. These sources are known as the written source of history. इसको हम क्या बोलते हैं, written source of history, क्योंकि लिखा हुआ है. Now, bhurjapatra means writing sheets made from the bark of a birch tree. ये bhurjapatra क्या होता है बच्चों, ये जो tree है उसके जो parks होती है, उसकी जो छाल होती है, उससे उन लोग क्या बनाते हैं, writing sheet.
Bhuja is the Sanskrit name of the birch tree. Birch tree are found in Kashmir. जो ये birch tree, ये जो भुजा है वो क्या है, संस्कृत नाम है birch tree का. और ये जो birch tree है वो हमको कहाँ मिलता है, कश्मीर में. डू दिस, विजिट अ म्यूजियम इन योर लोकेलिटी. राइट, अपनी लोकेलिटी में जो भी म्यूजियम है वहां पर विजिट करो. राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड देयर. और जहाँ वहां पर जो जो आर्टिफैक्ट्स फैक्ट्स है यानी जो जो सामान है वो आपको डिस्क्राइब करना है, उस पर लिखना है एसे, निबंध. कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज, जो पुराने जमाने के जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो वर्सेज है यानी ओवीज, वो लिखो, कलेक्ट करो. कलेक्ट फोक सॉन्ग कलेक्ट करो. प्रेजेंट वन ऑफ देम इन द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल, और उसको प्रेजेंट करो. नाउ ओरल सोर्स. ओरल सोर्स ओवीज, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ. जो ओवीज है, पुराने जमाने की जो स्टोरीज होती थी उन्हें उसको गानों में यूज करते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, टेल्स होती थी, कहानियां होती थी. ये ऐसे जो सिमिलर लिटरेचर है वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास हो रही है, माउथ से. यानी कि जैसे आपके परदादा ने आपके दादा को बताया, आपके दादा ने आपके पापा को बताया, आपके पापा ने आपके भाई को बताया, लाइक सो ऑन. तो वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे हो रही है, सुन सुन के आगे बढ़ रही है. दिस लिटरेचर इज नॉट इन द रिटन फॉर्म. ये जो लिटरेचर है वो लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है, बस बोला हुआ है. इट्स ऑथर्स आर अननोन. उनके जो ऑथर्स हैं वो भी पता नहीं कौन, क्योंकि आपने तो सुना, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी सुना. दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स ऑफ द ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इस तरह की जो लिटरेचर है उसको प्रिजर्व किया है, तो संभाल के रखा है ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू, यानी कि दीज आर दी ओरल सोर्सेस. अभी यहाँ पे मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स एंड ओरल सोर्स तीनों को हमको एक साथ में उन्होंने शॉर्ट में दिया है कि आपको इजीली समझ में आए. तो मटेरियल सोर्स में क्या है, आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल रिमेन. तो आर्टिफैक्ट्स में क्या है, रॉक पेंटिंग, पोट्री, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट, कॉइन्स, वेपन्स, दीज आर दी आर्टिफैक्ट्स. यानी और स्ट्रक्चरल रिमेन, केव्स, हाउसेस, तुपास, रॉक कट केव, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क, पिलर्स, ऑल दीज आर. देन रिटन सोर्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन हरप्पन सील्स, वैदिक लिटरेचर, मेसोपोटामियन क्ले टेबलेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज ऑफ महाभारत एंड रामायणा, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस, ट्रेवलॉग्स, ट्रेवलॉग्स बाय चाइनीज ट्रेवलर्स, बुक्स ऑन ग्रामर, पुराणास एंड इंस्क्रिप्शंस. नाउ ओरल सोर्सेज आर द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशंस. इट इज नाउ अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म. इवन सो द ओरल ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव व्हेन ओरल कंपोजिशंस आर यूज फॉर हिस्ट्री राइटिंग, दे आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस. ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इव एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टोन एज टू द 8th सेंचुरी सीई, क्राइस्ट ईरा. We learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations. जो ancient period था Indian history का, वो कहाँ से कहाँ तक था, Stone Age था, यानी जब लोग stones के weapons वगैरह use करते थे, उससे लेकर 8th century Christ era तक था. हमको we learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations. जो stone एज पीरियड है उसके बारे में हिस्ट्री के में हमको कहाँ से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, यानी कि जो पुरातन विभाग के लोगों ने जो खुदाई करी थी उससे जो सामान निकला उसके बाद से हमको पता चलता है स्टोन एज के बारे में. सिंस स्क्रिप्ट हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम,
तब तक जो स्क्रिप्ट्स है वो डेवलप नहीं हुई थी। हाउएवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, बट जो 1500 BCE है बिफोर क्राइस्ट ईरा ऑनवर्ड्स हमको इंस्क्रिप्शंस है वो मिलना चालू हुई, वैदिक लिटरेचर्स में मिली। इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म, शुरू शुरू में जो वेदास थे वो रिटन फॉर्म में नहीं थे, फोर वेदास है ना हमारे। द एंशियंट इंडियन हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम, जो एंशियंट इंडियंस थे उन्होंने जो वेदास थे उसको मेमोराइज किया, मेमोराइज मतलब याद करना, और रिसाइट करते थे, उनको गाते थे। द वेदास वर रिटन डाउन लेटर ऑन, उसके बाद में जो वेदास है वो लिखे गए। द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडस्ट्री, जो वेदास और पोस्ट वेदास यानी वेदास के आने के बाद में वो जो क्या है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता करने का। इट इंक्लूड्स ब्राह्मणास, क्या क्या है भी उसके अंदर, ब्राह्मणास, उपनिषद्स, एपिक रामायण एंड महाभारता, द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोयम्स, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, ट्रेवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एटसेट्रा। वी ऑल्सो लर्न अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटीरियल सोर्सेस लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकवेशंस। जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमको किस तरह से पता चला, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है यानी कि जो खुदाई करके जो हमको जो बच्चे खुचे जो मिले उनके सामान और उनके जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है या जो उनके सिक्के है जो हमको माओ मिले कहाँ पर खुदाई करने पर, उससे हमको पता चला। और प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, अब हमको ये तो मिला लेकिन हमको अभी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या क्या सावधानियां बरतनी जब हम हिस्ट्री लिखते हैं। इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री, ये बहुत जरूरी है कि जब हम ये सोर्सेज यूज करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए तो हम क्या करें, सावधानी बरते। रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो रिटन सोर्स है वो हम इसको नहीं बोल सकते कि वो ऑथेंटिक है यानी कि वो सच है, ट्रूथ है, फैक्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो इसी बेस पे हम उसको बोलेंगे कि वो सच है क्योंकि वो बहुत पुरानी है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत पुराना है तो सच है, नहीं। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एज टू हु रोट इट, वाई एंड वेन इट वॉज रिटन, उसको हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि इसने को किसने लिखी, क्यों लिखी और कब लिखी। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी क्रॉस चेक्ड एंड कोरोबोरेटेड विथ वन अनदर, जो कंक्लूजन्स हमको निकलते हैं कि जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है यानी जो रियल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमको क्या करना है, क्रॉस चेक करके फाइंड आउट करना है। क्रॉस चेक करेंगे, फिर कोरोबोरेटेड करेंगे, सबको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, जो सब में सच है वो हमारा फैक्ट है। सच ए क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ऐसा जो क्रिटिकली एनालिसिस करना, क्रिटिकली उसको हमको निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हमारे जो आज हमने लिखी और जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उस लिखी हुए पे क्या करेगी, ट्रस्ट करेगी। अगर हमने आज ही गलत लिखा है तो उनको जनरेशन को जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जो कैसे मिलेगी हिस्ट्री, गलत हिस्ट्री मिलेगी। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो थैंक यू।